प्रदेश के इन जिलों में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। तो स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के विषय में। क्या है जानकारी, कहां कहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और क्या पर मौसम का हाल, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इन जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की गई है, जिसमें रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश में जुलाई का महीना सूखा बीतने के बाद अगस्त में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, सड़कों पर जलभराव की स्थितियां बन गई है, लोगों के घरों से लेकर एयरपोर्ट तक पानी भर गया है। इसके चलते बरगी, यशवंत सागर, बाण सागर जैसे बांधों के गेट खोले जा चुके हैं। वहीं भोपाल के भदभदा के गेट भी खोलने की तैयारी चल रही है। मौसम विभाग ने फिर आज रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को छोटे बांधों की लगातार निगरानी करने को कहा गया है और उन पर अमले को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में रहने की भी कहा गया है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार को भोपाल, सागर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग में अच्छी बारिश होने से होगी। इस दौरान कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। रविवार को रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल और चंबल संभाग में कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने शनिवार रविवार को भोपाल, सागर, जबलपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। अब आपको बता दें क्या कहता है मौसम विभाग। तो मौसम विभाग की माने तो बंगाली खाड़ी से आगे बड़ा गहरा कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर और गुना के बीच सक्रिय है। साथ ही मानसून द्रोणिका भी गुना से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इधर अरब सागर से भी लगातार नमी मिल रही है, इस वजह से भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो रही है। रुक रुक कर तेज बौछारें पड़ने पर का सिलसिला तो 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा 23 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने का जा रहा है, उससे सक्रिय होते ही बारिश का एक और दौर शुरू हो जाएगा। आपदा नियंत्रण केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रहने की हिदायत दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। दोस्तों मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। आज मैंने बैठक कर व्यवस्थाओं की टीम को मुस्तैदी रखने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। हर जिले में आपदा नियंत्रण के लिए टीम तैयार रही है। कोई भी कठिनाई हो तो सूचित करें, तत्काल मदद पहुंचेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के निर्देश दिए हैं कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक कर समीक्षा कर लें, आवश्यक राहत के कार्य हों। जिला मुख्यालय स्थित आपदा नियंत्रण केंद्र को 24 घंटे सक्रिय रखा जाए। बाढ़ की स्थिति में आपात राहत के लिए सभी उपयोगी उपकरण, खोज एवं बचाव दल आदि पूरी तरह से तैयार और मुस्तैद रहे। प्रदेश में हो रही लगातार वर्षा से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों से बचाव के लिए अलर्ट रहें। बाढ़ की स्थिति की सूचनाओं के आदान प्रदान व समन्वय स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर अपने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों के साथ सतत संपर्क में रहें। नर्मदा घाटी विकास द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में सतत संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री के निर्देश, सभी कमिश्नर नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं।